अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोमिन अब्दुल कादिर आज आपके सामने एक सरगर्मी लेकर आया हूँ जो आप पहले भी उस सरगर्मी को अंजाम दे चुके हैं। आप अंग्रेजी के बहुत कुछ लेटर लिखना सीख चुके हैं और कुछ लेटर जो है वो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस तस्वीर की तरफ लेकर चलता हूँ, हम देखते हैं हम इनमें से कितने लेटर ढूंढकर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर है, इसमें एक दो तीन चार और पांच, ये पांच तस्वीरें हमारे सामने नजर आ रही है। इन पांचों तस्वीरों में कप सासर बने हुए हैं और उनमें कॉफी भरी हुई नजर आ रही है। अब हम इन कप के किनारे से और उनकी डंडियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर अंग्रेजी के लेटर पहचान में आ रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस तस्वीर में आते हैं, ये पहली तस्वीर है, इसमें ये देखिए ये जो किनारे है इससे हमें अंग्रेजी लेटर सी नजर आ रहा है, सी फॉर कैट। इसी तरह से अब हम दूसरी तस्वीर में चलते हैं। अब दूसरी तस्वीर में ये जो कप की डंडी नजर आ रही है, मैं इशारे से बताता हूं, आप पेंसिल की तरफ देखेंगे, ये देखिए ये गोल शक्ल की ये डंडी बनी हुई है और इस डंडी से हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी लेटर ओ नजर आ रहा है, ओ फॉर ऑरेंज। उसी तरह से अब यहाँ पर हम तीसरी तस्वीर में चलते हैं, यहाँ पर इस कप की जो डंडी है यहाँ पर इसकी तरफ हम गौर से देखेंगे, ये देखिए और इस तरह से, तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी लेटर डी, डी और डॉग ये नजर आ रहा है। और इसी तरह अब हम चौथी तस्वीर में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम इस डंडी को ही देखेंगे और इस तरह से ये देखिए ये डंडी से हमें इसकी तस्वीर, इसकी जो शक्ल है ये यू की तरह नजर आ रही है, यू फॉर अम्ब्रेला। तो देखे बच्चों, इन तस्वीरों में से हमने कैसे अंग्रेजी के लेटर ढूंढकर निकाले हैं। तो इसी तरह हम जो है इन तस्वीरों के जरिए ड्राइंग का भी मजा ले सकते हैं और इन तस्वीरों में से अंग्रेजी के लेटर ढूंढकर उन्हें लिखने की और सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज हमारा जो लेसन है 8.7 यानी कि 8.7 फन टाइम, फन यानी के हुनर, टाइम यानी के वक्त, फन यानी हुनर, वही हुनर ही है जिससे इंसान की जो काबिलियत है वो हमें सामने खुलकर नजर आती है और हुनर ही के जरिए उसकी पहचान की जाती है। तो चलिए अब हम अंग्रेजी के लेटर जो है जो हम सीखने वाले हैं उसके लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।